की इस परिचर्चा में, और आज की इस परिचर्चा में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड को क्या भारतीय जनता पार्टी ने वरद हस्त दिया है, और इस पर हमारे साथ जाने माने फिल्म आलोचक और विशेषज्ञ राजेश कुमार सिंह जी हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। अभी अभी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गोष्ठी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें जो प्रधानमंत्री का भाषण था, समाप्ति भाषण, उसमें उन्होंने कहा था कि फिल्मों पर टिप्पणी मत करें। तो इसका क्या आशय था, क्यों कहा गया था ये? क्यों, हमें सब पता है कि इस समय पठान को लेकर लोगों ने ऐसी तैसी कर रखी है बॉलीवुड की, और वैसे भी बॉलीवुड जो है वो कोई 2,500 करोड़ से नीचे आ चुका है। 2022 में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं फ्लॉप फिल्मों के, और जो 5 फिल्में जो सुपरहिट हुई भी हैं उनमें से 4 जो है वो साउथ की। देखिए संजय जी, इसके कई कारण है। एक पहला कारण तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो बॉलीवुड से बड़ा अभिभूत रहता है, और जो बॉलीवुड के जो बड़े प्रसिद्ध लोग हैं उनकी संगत में बैठना उठना इस शीर्ष नेतृत्व को बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है। दूसरा कारण ये हो सकता है, और मैंने एक अंदाजा लगाया है, मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता, मुझे जानकारी नहीं है, विशेष रूप से शाहरुख खान को लेके एक कारण, दो घटनाएं हुई हैं शाहरुख खान को लेके। एक तो पहली घटना ये हुई है जो उनके पुत्र जो हैं वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद बड़े आराम से उनको क्लीन चिट दे दी गई, और दूसरी पठान के को लेके हुई है। तो उसमें मुझे ये ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान के बड़े अच्छे संबंध हैं यूएई के जो शेख हैं इन सारे लोगों से, वहाँ उन्होंने बड़े अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट किए हैं। जब इनको अगर कहीं भारत छोड़ के जाके कहीं और बसने की बात आती है तो ये हमेशा ऐसा सुनने में आता है कि दुबई जाएंगे, वहाँ बड़े अच्छे रहने की जगह है, इनकी सारा इंतज़ाम उनका बहुत बढ़िया है, और बॉलीवुड के लोगों का वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा संपर्क और संबंध रहता है, विशेष रूप से जो शेख हैं और जो बहुत धनी संपन्न लोग हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ ये जाते हैं उनके उनके त्योहारों में, उनके सेलिब्रेशंस में ये लोग हिस्सा लेते हैं, तो इनका एक बड़ा एक तरीके से प्रभाव रहता है, इनकी बड़ी डिमांड रहती है वहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं से वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनसे विशेष संबंध बना के रखा जा रहा है आजकल, वहां से बड़े सम्मान मिलते हैं, मोदी जी को भी मिलते हैं, मिडिल ईस्ट देश की छोटी मोटी जो कंसर्न भी होती हैं उनको ये लोग एड्रेस करते हैं, बहुत तपाक से जाके उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहीं वो शिकायत करते हैं तो उसकी शिकायत का समाधान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोवल साहब विशेष रूप से इसके अंदर बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो एक वो भी कारण हो सकता है, कहीं से ऐसा आया हो कि साहब देखिए जरा इनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, थोड़ी इनकी मदद कर दीजिए। तो जो शीर्ष नेतृत्व है और जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, लुटेरेंस जोन का ये चरित्र रहा है कि भाई एक दूसरे की पीठ खुजलाते रहो। आपको अगर याद होगा तो जब अटल जी हुआ करते थे तो कैसे जो आज के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, जो प्रधानमंत्री बनने की लाइन में लगे हुए हैं, वो किस तरीके से उनके बारे में चर्चा थी कि वो पकड़े गए थे और ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे, और उसमें अटल जी ने उनकी मदद की थी, उनको वहां से बचाया था। तो उसमें एक रहता है कि भाई ठीक है जो कुछ भी है, नेहरू किसी बड़े परिवार का लड़का है, बचा दो चलो, तो इस तरह की भावना इनकी रहती है। और चूंकि मूल रूप से बीजेपी के लोग, संघ के लोग, सारे लोग जो है वो निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम मध्यम वर्ग से आए हुए लोग रहते हैं, तो एक अभिभूत होने की संभावना उनकी हमेशा बनी रहती है। हीन भावना। हाँ, तो क्या कहा आपने, हीन भावना, एक तरीके की हीन भावना कह लें, जो भी कह लें, ये एक बनी रहती है और लगता है चलो ठीक है, ये हमारे साथ है, थोड़ा सा इनसे बातचीत भी हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है कि पिछली बार जब चुनाव आने के हुए थे तो उस समय अमित शाह जी जो है ये घूम घूम के आम जनता से नहीं मिल रहे थे, लेकिन घूम घूम के बीजेपी के कार्यकलाप की पुस्तिकाएं वो बड़े सभ्रांत और बड़े लोगों को बांट रहे थे, घूम घूम के उनसे मिल रहे थे और उनके चित्र छप रहे थे। तो ये एक
एक है, एक कमी है, ये एक एक चारित्रिक दोष है इन लोगों के अंदर, जो अपना एक जो आत्मविश्वास होना चाहिए, अपनी विचारधारा का आत्मविश्वास होना चाहिए, अपनी सभ्यता का आत्मविश्वास होना चाहिए, अपनी धर्म परंपरा का जो आत्मविश्वास होना चाहिए, वहां वो आत्मविश्वास नहीं रहता इनके अंदर। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण इनको प्लेकेट करते रहे, इनको ठीक है भाई, इनको नाराज नहीं करना है, इनको खुश रखना है, बॉलीवुड वाले हैं, इनकी मदद कर देते हैं और ये कभी आवश्यकता पड़ी तो हमारे किसी उसमें आ जाएंगे। ऐसे बॉलीवुड वाले जो हैं, यहाँ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सबके साथ ऐसे ही उनके संबंध हैं, तो कुछ इसी प्रकार का संबंध सब बना के रखना चाहते हैं। नहीं तो मतलब सोचिए कि बोलने की क्या आवश्यकता थी इनको, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बॉलीवुड के बारे में कोई कमेंट करने का कोई तुक तो था नहीं। और मान लीजिए आपके भाजपा के कई नेता हैं या भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो बॉलीवुड विरोधी अगर हो गए हैं, तो जो नेता है उनको तो आप एक फोन करके भी बता सकते थे, पूरी कार्यकारिणी के सामने उसके ऊपर एक टिप्पणी करना, उसके बारे में एक विशेष तरीके से उसकी चर्चा कर देना, उसका कोई कारण नहीं था। वो मूर्खता की बात एक तरीके से कहा जाए तो थी। क्यों करने जा रहे हैं आप, क्या चिंता पड़ी है बॉलीवुड की? बॉलीवुड जो है जब अपने आप को ही खत्म करने पे लगा है तो आपके बचाने से वो बच जाएगा। अरे आपको तो, आपको अगर खड़ा होना है तो आपके जनता के साथ आके खड़े होइए। जो आज बॉलीवुड की फिल्मों को देख के उनकी फिल्मों के पीछे जो उनके जो उनका जो भ्रष्टाचार है उसको देख के, उनकी फिल्मों के पीछे का मंतव्य देख के लोग जो है बिदके हुए हैं, लोग नाराज हैं, उनके अंदर जो है एक भावना है कि देखो ये किस तरीके से हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को ये नीचा दिखाने पे लगे हुए हैं अनायास ही, और आप जो है जबरदस्ती उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, आपके एक मिनिस्टर ने, आपके एक स्टेट, एक राज्य के एक मंत्री ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, उसने क्यों कमेंट किया? नरोत्तम मिश्रा ये कमेंट करने गए होते क्या पठान के ऊपर, अगर उनको ये एहसास नहीं होता, उनको उनके अंदर ये भावना नहीं होती कि उनका जो इलेक्टोरेट है, जो उनको वोट देता है, वो चाहता है कि वो इस तरह का कमेंट करे। तो जो आपको वोट देने वाला है, जो आपका समर्थक है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको नरोत्तम मिश्रा कैसे नाराज करते? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नाराज कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। आप जो है हिमालय की उत्तुंग शिखर पर पहुंच गए हैं, वहां से आप समत्व भाव से देखते हैं, सब समान है, ये भावना आपके अंदर आ गई है, लेकिन उस बेचारे नरोत्तम मिश्रा को तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखना है, उनको चुनाव भी तो जीतना है। तो आपका जो समत्व भाव है, आपकी जो महानता है, आप जो है जिस शिखर पे पहुंच के और आप भगवत स्वरूप हो गए हैं, दूसरे तो नहीं हो गए हैं ना, उन्हें तो अभी भी लड़ाई लड़नी है जमीन पे, इस देश के शत्रुओं से लड़ाई लड़नी है, इस देश को विभाजन करने के जो षड्यंत्र हो रहे हैं उन षड्यंत्रों को रोकना है, चाहे वो षड्यंत्र बॉलीवुड में हो रहे हो या कहीं भी हो रहे हो। आपको उसे बोलने की क्या आवश्यकता है? आप ईश्वरीय तत्व तो आपके अंदर समाहित हो गया है, आप आत्मबोध कर लिया है आपने, सब कुछ ठीक है भाई, हम सामान्य हैं अभी भी। बाबा बागेश्वर धाम और उनके जो शास्त्री जी हैं अगर कुछ बोलते हैं तो मुझे हमें लगता है कि ठीक है भाई, ये चमत्कार भी हमारे जीवन में होना चाहिए, हम तो सामान्य हैं, अनपढ़, कुछ नहीं जानते, अधम लोग हैं हम लोग भाई। उन सामान्य लोगों के लिए तो सोचो, अधम हिंदुओं के लिए भी तो सोचो, तुम तो शीर्ष पे पहुंच गए हो, तुम्हारा पूरा उदात्त चरित्र हो गया है, समत्व आ गया है, तुमने सबको अपना लिया है, ऑल इंक्लूसिव हो गए हो। नरोत्तम मिश्रा अगर ऑल इंक्लूसिव हो जाएंगे तो वो अपना होम मिनिस्ट्री का काम कैसे करेंगे? अमित शाह अगर ऑल इंक्लूसिव हो जाएंगे तो गृह मंत्रालय कैसे चलाएंगे? आप तो हो गए हो, आपको तो दुनिया से इनाम मिल रहा है, हो सकता है कि किसी दिन आपको नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए क्योंकि आपने विश्व शांति के वाहक हो जाएं, आप यूक्रेन और रूस के युद्ध को खत्म कर दें, आप बाइडेन के मन को परिवर्तित कर दें, आप वोक को और भी वोक बना दें, कौन जानता है। आप तो उदात्त चरित्र के हैं, आपके लिए तो चंद्रचूड़ साहब जो है ईश्वर तत्व वो भी हैं,
क्योंकि सब तो एक है ना, एकात्मवाद आपका चल रहा है, लेकिन होम मिनिस्टर गृह मंत्री कैसे ये कर सकता है? वो तो देखेगा ना कि क्या होगा। अगर पठान के अंदर अगर हिंदुओं को, किसी फिल्म के अंदर अगर हिंदुओं को आहत करने वाली बातें रखी गई हैं, तो अगर वो हिंदू आहत होंगे तो वो रिएक्ट करेंगे, वो प्रतिक्रिया देंगे, तो उसको क्या करना है? नरोत्तम मिश्रा उस प्रतिक्रिया को कैसे संभालेंगे? अगर दंगे हो गए तो, सिनेमा हॉल में आग लग गई तो आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी आके रोक पाएंगे क्या उसको? नरोत्तम मिश्रा को रोकना है तो आप क्यों निर्देश दे रहे हैं उनको? क्यों बुद्धि पढ़ा रहे हैं आप? तो जो अपनी जगह अपना काम कर रहा है करने दें, जो अपनी जगह सोच रख के कुछ काम कर रहा है उसको करने दें। आप हो गए हैं उद्दात तो आप चले संन्यास की तरफ, छोड़े प्रधानमंत्री क्यों बने हुए हैं? प्रधानमंत्री बनने कोई कारण नहीं है। अब तो आपको विश्व शांति की तरह जो है, गांधी जी की तरह जो है, अपनी लकुटी कमरिया उठा के निकलिए, चलिए विश्व शांति की यात्रा पे। एक जने तो भारत जोड़ रहे हैं, आप विश्व को जोड़ने के लिए निकलिए। आप सारे मुसलमान सबको एक कर दीजिए, चलिए आपके कहने से एक हो जाएंगे जो पिछले सैकड़ों सालों से एक नहीं हुए, आपके आपकी बात से आपके विचारों से एक हो जाएंगे। गांधी तो नहीं कर पाए, अब आप ही कर दीजिए, चलिए हम भी आपकी मूर्तियां लगाएंगे और मूर्तियों पर माला पहनाएंगे और चढ़ाएंगे। हाँ तो ये तो उपदेश दिया ना उसके साथ में, ये भी तो उपदेश दिया कि सूफी संगीत इत्यादि के आयोजन करवाइए। सारा उपदेश जब चुनाव आएगा ना संजय जी, सारा उपदेश जो है ना, जब चुनाव आएगा तो लगेंगे औरंगजेब औरंगजेब करने। मैं बता रहा हूं आपसे, जिस दिन चुनाव घोषित हो गया उनको पता है, तो उस दिन औरंगजेब याद आने लगेगा। अपने भाषणों में इतना जिक्र करना शुरू करेंगे, अत्याचार अनाचार जो किया गया जिहादियों द्वारा उसकी बहुत चर्चा करेंगे। ये उस समय उनको औरंगजेब, शिवाजी, महाराणा प्रताप सब याद आने लगेंगे। अभी गांधीवाद चल रहा है तो ढकोसले की आवश्यकता क्या है? और वो भी ऐसे समय पर जब ये पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अब सबको सूफियों का असली चरित्र पता चल चुका है, संभवतः 5 वर्ष पहले नहीं पता था। बिल्कुल नहीं, 5 वर्ष पहले ही पता था, हमारे जैसे लोगों को पता था। मैं तो हमेशा सामान्य जन को नहीं पता था, अब तो सामान्य जन को भी पता है, सामान्य जन को भी पता है और सब लोग जान रहे हैं कि क्या क्या जा रहा है और आप नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए हिंदू प्रतिमानों पे आक्रमण हो रहा है तो किसको, उन प्रतिमानों और प्रतीकों पे आक्रमण हो रहा है तो उसको, उससे लड़ेगा कौन? उसके उसके विरुद्ध विरोध में आवाज कौन उठाएगा? आपको तो इसीलिए चुना गया है कि आप उसके लिए आवाज उठाएं, आप बचाएं। आप क्यों नहीं आवाज उठा सकते? तो जब आम जनता आवाज उठा रही है तो उसकी आवाज से आवाज मिला लीजिए, लेकिन आप वहां जो है फिर वही आ जाते हैं कि अपनी अपना कोई दूसरा एजेंडा चलाने के प्रयास में पड़ जाते हैं। आपका एजेंडा नहीं चलने वाला है, इस देश की जनता का एजेंडा चलने वाला है, और देश की जनता अपना एजेंडा अलग चला रही है, अपना अलग चलाइएगा तो आप भी जो दरकिनार हो जाइएगा। मैं बता रहा हूं आपसे, ये सारे लोग समझते हैं ना, कभी कभी बीजेपी के लोग और संघ के लोग, ये लोग समझते हैं कि ये लोग ये इंडिस्पेंसिबल है हिंदू समाज के लिए। मूर्खता करते हैं लोग, कभी कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं रहा है हिंदू समाज के लिए। आवश्यकता पड़ेगी तो विकल्प उभरेंगे और उसमें जो है जो कुछ भी होगा बहुत अफरा तफरी होगी उसके अंदर, लेकिन विकल्प उभरेंगे। ये सब मूर्खता ना किया करें लोग, यथार्थ से भाग के जाएंगे तो फिर ये अपने समाज का नुकसान करेंगे, अपना नुकसान करेंगे, अपना राजनीतिक नुकसान करेंगे, राष्ट्र का नुकसान करेंगे। अब कल भाषण दे रहे थे मोहन भागवत जी वहां कलकत्ते में, पूरा भाषण नहीं सुना मैंने, कुछ अंश सुने, रिपब्लिक टीवी पर कुछ दिखा रहा था, तो वो उसमें बार बार ये बता रहे थे कि कैसे सुभाष चंद्र बोस भी जो है बार बार बोलते थे कि हमें सारी दुनिया को दिशा देनी है, हमें सारी दुनिया को दिशा देनी है। अरे सारी दुनिया को दिशा बाद में दीजिएगा भाई, पहले अपने आप को दिशा दीजिए, पहले देखिए कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है, भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले किस तरह उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, जो इस देश के ऊपर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसकी उसकी तैयारी करिए। क्योंकि अगर आप इस हिंदू राष्ट्र के अंगभूत हैं, अपने आप को कह रहे हैं और ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें शक्ति दो, तो वो शक्ति अगर आपको मिली है तो पहला काम तो ये करिए कि आप अपने हिंदू समाज को जोड़िए, हिंदू सरोकारों को समझिए, हिंदुओं के लिए कुछ करिए, हिंदुओं को जोड़ के उनके जो, और फिर उसके बाद जो राष्ट्र की समस्याएं हैं उनका समाधान निकलेगा। आपको ये भी इतना समझ में नहीं आ रहा है,
तो इतना उदात्त बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, ठीक है किसी और बाहर के देशों के कंजम्पशन के लिए। बीबीसी को तो आपने सब कुछ कर लिया, उदात्त चरित्र बना लिया, फिर भी बीबीसी वाले जो है 2002 की डॉक्यूमेंट्री बना के बैठ गए वहां और आप बैन करते फिर ये। तो 2002 आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 1900 मैं ये कह रहा हूं कि बॉलीवुड जो है वो लगातार हिंदुओं के चेतना को क्षति पहुंचा रहा है। तब तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ मत बोलिए, और एक बॉलीवुड ने आपके बारे में डॉक्यूमेंट्री बना दी तो उसको आपने बैन कर दिया, ये कैसा अंतर विरोध है? अंतर विरोधों की तो समस्या है, एक ही नहीं कितने अंतर विरोध है, और ये सारे अंतर विरोध जो है इनको कैसे ये रिकंसाइल करते हैं अपने दिमाग में, ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो आप जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है जब बनने देते, आने देते, बॉलीवुड की फिल्म देखने देते, क्या समस्या थी उनको? मुझे तो लगता है कि इनको करने देना चाहिए था, क्योंकि अगर 2002 की यादें ताजा हो जाती तो फिर ये इनके गांधीवादी चरित्र की यादें जो है फिर से कुछ कम होती, और 2002 की यादों में कभी कभी जो है हिंदू समाज के लिए उससे बड़ा एक उसकी एकता थोड़ी होती है, तो इनके लिए लाभदायी होता ये, बनने देते, चलने देते उसको। लेकिन नहीं, समस्या यह है कि आप जो है बॉलीवुड को नहीं समझते, आप उससे अभिभूत होते रहते हैं। देखिए कम से कम आप जो है फिल्म इंडस्ट्री को ही समझ लेते इसके बाद बात करते, तो एक तो न तो इनके जो IMB मिनिस्ट्री जो इनकी नोडल मिनिस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उस इंडस्ट्री के जो नौकरशाह हैं उनको बॉलीवुड की कोई जानकारी नहीं है, बता रहा हूँ आपसे ईमानदारी से, अंदर की कोई जानकारी नहीं है। इनके नीति आयोग में बैठे जो धुरंधर लोग हैं उनको बॉलीवुड की कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए नीति आयोग में बैठ के बॉलीवुड एक उद्योग के तौर पर भी उसको लेके जिस प्रकार की नीतियां और जिस तरह की पॉलिसी डिसीशंस होने चाहिए वो भी नहीं कर सकते, और इनको तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। इनकी जानकारी बॉलीवुड की वही है कि सेलिब्रिटी हैं और बड़े मशहूर हैं तो उनके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, या वो आके हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे। तो ये अभी भी इनके मन में ये भावना है कि बॉलीवुड के इनके साथ हम खड़े हो जाते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। तो ये तो सलमान खान जैसे लोगों के साथ खड़े होकर धन्य हो जाते हैं, या आमिर खान जैसे लोगों के साथ खड़े होकर धन्य हो जाते हैं। इनको मूल चरित्र ही नहीं पता है बॉलीवुड का, तो न बॉलीवुड का चरित्र इनको पता है, न बॉलीवुड उद्योग की समझ इनको है जिससे कि ये कुछ कर सके, महत्वपूर्ण काम कर सके उस क्षेत्र के अंदर। इनका दावा ये था कि साहब बॉलीवुड जो है वो कल्चर का एक्सपोर्ट करेगा। अब बॉलीवुड किस कल्चर का एक्सपोर्ट आज करेगा और किस कल्चर का एक्सपोर्ट कर रहा है इनको पता नहीं है। इनको कम से कम अगर जब कल्चरल एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो इनको जानकारी होनी चाहिए थी किस कल्चर का एक्सपोर्ट कर रहा है। वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इम्पोर्ट कर रहा है विदेशी कल्चर आज पूरी तरह से जो है, विशेष रूप से पूरे भारत की, बॉलीवुड की छोड़िए पूरे भारत की फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से विदेशियों के कब्जे में है, हॉलीवुड के कब्जे में, विदेशियों के कब्जे में नहीं, हॉलीवुड के कब्जे में। कैसे है? तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, सबके सब पूरी तरह से हॉलीवुड के कब्जे में है। और हॉलीवुड क्या है? हॉलीवुड का मूल चरित्र क्या है? हॉलीवुड का मूल चरित्र है वोक चरित्र। हॉलीवुड का मूल चरित्र है कि जो लेफ्ट लिबरल चरित्र कहा जाता है, हॉलीवुड का मूल चरित्र यह है जो राष्ट्रवाद से घृणा करता है, जो इंक्लूसिविटी के नाम पे जो है सपोर्ट करता है BLM और जो अन्य दूसरे जो डिवाइसिव मूवमेंट्स हो रहे हैं अमेरिका में इस तरह के, उनको सपोर्ट करता है। तो हॉलीवुड का वो मूल चरित्र है। तो जो हॉलीवुड के जो एग्जीक्यूटिव है वो आपका कल्चर, आपकी संस्कृति, वो उसको एक्सपोर्ट होने देंगे क्या? वो तो आपके ऊपर अपनी संस्कृति लादने और थोपने का प्रयास कर रहे हैं, और ये समझ आपको नहीं, आपको पता नहीं है कि क्या क्या स्थिति है फिल्म इंडस्ट्री की। दूसरी बात, ये जो बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो YouTube है और ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनको यहां तक नहीं पता, जिसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, कि किस तरीके से कॉपीराइट, जो पुरानी फिल्मों की कॉपीराइट चुराए जा रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म्स कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पूरी तरह से जो है ओपेक प्लेटफॉर्म है, आप कुछ जानते ही नहीं कि कैसे वर्किंग करते हैं। दुनिया भर के हमारे यूट्यूबर्स इनके लिए बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपकी एक्चुअल अर्निंग कहाँ है, कैसे हो रही है, कैसे कैलकुलेट हो रही है। जो आपको दे देते हैं वो लेके रख लेते हैं। तो आप कॉन्टेंट क्रिएटर्स की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको नहीं डिफेंड कर पाते। एक हमारे मित्र हैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, सुनील दर्शन, वो चिट्ठियां लिख लिख के थक गए, PMO से लेके और सबको थक गए, मुकदमा किया उन्होंने जाके।
उन्होंने YouTube के ऊपर मुकदमा किया, उन्होंने Google के ऊपर मुकदमा किया, FIR लॉज हुई यहां बंबई के अंदर, और ये सुंदर पिचाई को पद्म भूषण दे रहे थे, पद्म सम्मान दे रहे थे, पद्मश्री दिया पद्म भूषण दिया मुझे याद नहीं है ठीक से दे रहे थे, अभी कुछ दिन पहले आया तो उससे मिलने के लिए गए। एक उस व्यक्ति किससे मिलने के लिए गए जिसके ऊपर IPR की चोरी का आरोप है और जिसके ऊपर मुंबई के पुलिस ने FIR लिखा हुआ है, उससे ये मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ ये करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि सब सुंदर पिचाई गूगल गूगल, और ये गूगल बाबा शुरू से ही बड़े अभिभूत रहते थे सुंदर पिचाई से, फेसबुक से। अरे आप इनसे अभिभूत हैं, लेकिन वो आपसे अभिभूत नहीं है, वो आपका खड्डा खोद रहे हैं। वो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे वोकिज्म और लिबरलिज्म, लेफ्ट लिबरलिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो राष्ट्रवादी हैं, जो हिंदूवादी हैं, इन सारे लोगों के जो चैनल हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, उनका नुकसान किया जा रहा है, और उनके रेवेन्यू का लॉस हो रहा है दुनिया भर का, इनको पता नहीं है। दृश्यम 2 फिल्म अभी कुछ दिन पहले आई है जी, हिट हुई थी, कल यूट्यूब के अंदर यूट्यूब पर दृश्यम फिल्म दिखाई जा रही थी, गया कॉपी, कोई पूछने वाला नहीं है उसको, और जाइए पकड़िए गूगल, कैसे दिखाया भाई तुमने यूट्यूब, कैसे यूट्यूब पे कैसे आया, गूगल को पकड़िए, वो बोलेगा कि साहब हम आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मुकदमा नहीं चल सकता आपके ऊपर। और मुकदमा करने के लिए जाएंगे तो हमारे सुनील दर्शन है, उन्होंने मुकदमा किया हुआ है, तो अदालत में इस देश के सबसे बड़े वकील, महाराष्ट्र के मुंबई के सबसे बड़े वकील देसाई एंड कंपनी के देसाई साहब पहुंच जाते हैं कोर्ट अदालत के अंदर, जहां जब अदालत में देसाई साहब पहुंचते हैं तो जज साहब उठ के उनका अभिवादन करने लगते हैं। अब उनके सामने सुनील दर्शन के छोटे मोटे वकील कहां से काम आएंगे, कौन लड़ेगा इनके साथ, इन बड़े प्लेटफॉर्म के साथ? आपकी क्या स्ट्रेटजी है जहां आपको बॉलीवुड की सहायता करनी है, जहां आपको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म उद्योग की सहायता करनी है, वो तो कोई दृष्टि ही नहीं है आपके पास। तो ये सब कुछ समस्याएं दुनिया भर की हैं, लेकिन ये तो अभिभूत रहेंगे, पीयूष गोयल है इनके, कुछ लोगों ने यहां बंबई में लोगों से उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, भाई ये जो है हमारी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की समस्याएं हैं, उनके ऊपर कुछ करिए, लेकिन उन लोगों में बड़े 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 नाम नहीं थे, उसमें आमिर खान नहीं थे, शाहरुख खान नहीं थे, सलमान खान नहीं थे, तो पीयूष गोयल बड़े दुखी हुए, अभी तुम लोग क्या आ गए हो, कौन हो तुम लोग, मैं तुमको पहचानता नहीं हूं। उसमें बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े पुराने नाम थे, बोकाड़िया जिनके पास दुनिया भर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिनकी फिल्में आज भी दिखाई जाती हैं, बार बार दिखाई जाती हैं, ऐसे लोग थे, लोग मिलने के लिए गए, पीयूष गोयल रख चढ़े, बात नहीं कर सकते थे ठीक तरीके से, सभ्य व्यक्ति की तरफ बात नहीं कर सकते थे, तो ये तो हालत है। तो ये आप जो है ये बड़े बड़े जब नाम आते हैं, कहीं कोई से कोई फोन आ जाता है भाई थोड़ा मदद कर दो, तो मदद करने लग जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, लेकिन जो सही माने में जो फिल्म इंडस्ट्री की समस्या है, भारतीय फिल्म उद्योग के सामने उसको अपने विकास में जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उस उनको आप नहीं निपट सकते, उनको जानते नहीं, उनको पहचानते नहीं। सेंसर बोर्ड को भी अभी तक समझ नहीं पाए, बिल्कुल नहीं, सेंसर बोर्ड में तो इन्होंने ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी है कि, और लग रहा है कि विशेष रूप से सेंसर बोर्ड जो है आजकल बड़ा जो कहा जाए कि बड़ा, जब भी कोई हिंदूवादी फिल्म हो या कोई ऐसी फिल्म हो जो राष्ट्रवादी फिल्म हो या किसी ऐसे मुद्दे पे जैसे लव जिहाद जैसे मुद्दे पे बात कर रही हो, अच्छी हो बनी, अच्छी हो खराब हो उसकी बात नहीं है, लेकिन जब ऐसी फिल्में सेंसर बोर्ड में जा रही हैं, CBFC में जा रही हैं, तो उन पे विशेष रूप से ध्यान देके उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भाई आने दो, बाकी सारे लोग अपनी सारी फिल्में दिखा रहे हैं, उनको भी आने दो, कोई छोटे मोटे प्रोड्यूसर है, कोई नया डायरेक्टर है, उसने अपनी तरफ से प्रयास किया है, एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को हाईलाइट करने का प्रयास किया है, हो सकता है कि उसके पास रचनात्मकता का अभाव हो, लेकिन उसको आने तो दो, बोलने तो दो अपनी बात रखने तो दो सामने, लेकिन वो नहीं होगा। बड़े नाम वहां भी पहुंच जाते हैं, फट से सेंसर बोर्ड के सारे सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं। इतनी ज्यादा वॉयलेंस है पठान फिल्म के अंदर, उसके ट्रेलर सिद्ध हो गया है। एक तो पहले किसी जमाने में ट्रेलर जो है अप्रूव किया करते थे सेंसर बोर्ड के लोग, लेकिन अब परिस्थिति क्या है, ट्रेलर जो है वो आ जाते हैं यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब के ऊपर जो है आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो ट्रेलर सिनेमा हॉल के अंदर भी बिना अप्रूवल के दिखाए जाते हैं, उसी तरह के ट्रेलर, उसमें दुनिया भर का वायलेंस है, उसके अंदर दुनिया भर की नग्नता है, इसके बाद भी उसको आप US सर्टिफिकेट देते हैं,
अगर वो वायलेंस जो है ग्राफिक वायलेंस है, ऐसी वायलेंस में नहीं है जो कैरिकेचर हो, पहले जमाने में जब कोई कैरिकेचर वाले ढिशुंग ढिशुंग वाली जो वायलेंस होती थी तो उसको कैरिकेचर का आप वायलेंस कहेंगे, वो ग्राफिक वायलेंस नहीं है, यहाँ तो ग्राफिक वायलेंस है। वैसी फिल्मों को आपने यूएस सर्टिफिकेट दे दिया क्योंकि साहब बड़े बैनर की फिल्म है, यशराज बैनर की फिल्म है, मदद कर दें, हमारे बैठे हुए हैं प्रसून जोशी जी, मदद कर दें। लेकिन वही एक छोटा एक फिल्म मेकर है जिसने एक फिल्म बना दी है मोपला नरसंहार के ऊपर, उसने एक फिल्म बना दी है, उसने कुछ यथार्थ उसके अंदर रख दिया है, कहानी ठीक ठाक ही है, फिल्म मैंने देखी थी, फिल्म बहुत जो उसकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए उस गुणवत्ता उस फिल्म के अंदर नहीं थी, उसके सामने दुनिया भर के अड़ंगे अटका दिए। अरे आने दो, देखने दो लोगों को, सच जानने दो, वो भी इतिहास है इस देश का, तो आप सही इतिहास भी नहीं दिखा सकते आज की सीबीएफसी की ये परिस्थिति है। लेकिन जब आपका इतिहास 2002 का उसके ऊपर गलत सलत जो झूठ भी उसके ऊपर कहा जा रहा है, वो झूठ भी जब दिखाने की बात आती है तो आप उसके ऊपर बैन लगा देंगे, तो आप बीबीसी के ऊपर बैन लगा देंगे। लेकिन यहां जो भारत का अपना सच है वो दिखाने के लिए आपका सीबीएफसी भी उसके ऊपर बैन लगा देगा, वहां भी यथार्थ सामने नहीं आने देगा। तो ये सब समस्याएं हैं, इन लोगों की कोई समझ ही नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, कोई दिशा नहीं है इनके पास, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप सुनाई नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, आपने पहले भी बताया था कि किस प्रकार से इनकी जो मीटिंग्स इत्यादि होती हैं पीएमओ या प्राइम मिनिस्टर इत्यादि से जो मीटिंग्स होती हैं उसमें किस तरह से बातचीत होती है और किस तरह से, अभी आपने देखा होगा कि योगी जी आए थे तो उसमें हाँ। काफी लोग बैठे हुए थे, तो कैसे वो योगी जी के सामने किस तरह से बात कर रहे थे, और सुनील शेट्टी ने कहा साहब ये बॉयकॉट बॉलीवुड बड़ा गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हालांकि योगी जी तो दूसरे माजने के हैं, उन्होंने उसका कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी उसके ऊपर, लेकिन फिर भी इतनी तो पहुंच इनकी है कि यदि हेमंत बिश्व शर्मा ये कह दें कि कौन शाहरुख, तो शाहरुख साहब जो है वो रात में उनको 2 बजे अप्रोच कर सकते हैं। नहीं, ये 2 बजे वाला मैं बता रहा हूँ आपसे, उसमें वही खेल हुआ है, कुछ कहीं से आया होगा मैसेज, पता नहीं दोवल साहब के पास मैसेज आया होगा, उन्होंने फोन किया होगा हेमंत बिश्व शर्मा को, भाई जरा देख लीजिए आया है कुछ मैसेज आया है, थोड़ा सा उसको देखा जाए, थोड़ा इसको बचाना है, तो उसमें अब विवशता में उन्होंने लिया होगा फोन। अब योगी जी के सामने तो ये सब ब्यूरोक्रेट ले आके बिठा देते हैं, सबों को कोई मतलब नहीं है उसका, योगी जी को मुंबई आने की आवश्यकता ही नहीं है, वो ना आया करे क्योंकि, और वो जो फिल्म बंदूक करके उन्होंने बनाया हुआ उत्तर प्रदेश में, उनको पता नहीं, वो सब अपना पैसा खाने पचाने का सब इंतजाम होता है, यहाँ सब मुफ्तखोरी के शौकीन है ऐसा यहाँ सब बॉलीवुड वाले, तो वहां कहीं कोई इनको कोई पैसा वैसा देने की भी आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश या कोई भी दूसरा प्रदेश मुंबई को छोड़ के बॉलीवुड फिल्म उद्योग, किसी भी फिल्म उद्योग के लिए सबसे सही प्रदेश होगा, और वो क्षेत्र सबसे सही प्रदेश होगा जो पूरी तरह से पिछड़ा हो। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड पिछड़ा हो, या मान लीजिए कहीं कोई मिर्जापुर में कहीं कोई पिछड़ा क्षेत्र हो जहां जमीन सस्ती हो, ऐसे ही करके हॉलीवुड का विकास हुआ। हॉलीवुड का जब विकास होना था तो जो सबसे सस्ती जगह थी जहां कोई था ही नहीं उस जगह को दे दिया गया, वहां फिर हॉलीवुड का विकास हुआ वहां। तो ये अप्रोच, जैसे कि वहां लास वेगस का जो विकास हुआ कि वैसे ही रेगिस्तान में जाके जगह दे दी कि जाओ अब बनाओ इसको, उन्होंने उनको लोगों ने उसको डेवलप किया, डेवलपर्स ने उनको डेवलप किया। तो फिल्म उद्योग के लिए मुंबई जो है बहुत महंगा हो गया है वैसे भी, तो अगर कहीं भी बाहर सस्ती जमीन सस्ती जगह मिल जाएगी तो लोग अपने आप उसका विकास कर लेंगे। तो इसीलिए बार बार जो ये लोग करते हैं, ये सिखाते पढ़ाते हैं सब ये नौकरशाह बिना जाने बूझे कि हम ये सुविधा दे रहे हैं, हम वो सुविधा दे रहे हैं, उन सबकी आवश्यकता नहीं है, बस एक ही सुविधा दीजिए कि सस्ती जमीन उपलब्ध करा दीजिएगा, दुनिया भर के स्टूडियो खड़े हो जाएंगे वहां। थोड़ा समय लगेगा, 2-4 साल लगेगा, लेकिन वो अपने आप खड़े हो जाएंगे। आज की परिस्थिति में किसी भी फिल्म उद्योग को कहीं एक जगह खड़े होने के लिए एक कोई निश्चित बाउंड्री में रहना आवश्यक नहीं है, कहीं भी किसी जगह पर फिल्म उद्योग खड़ा हो सकता है क्योंकि पूरी तरह से सारा मामला ही डिजिटल है, और ऐसा नहीं है कि आप जो है आदान, आज तो डिजिटल रास्ते से आदान प्रदान करके एडिटिंग और सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे कि अमेरिका के कई स्टूडियोज जो है भारत के जो एनिमेटर्स हैं उनकी मदद लेते हैं, तो वो वहां भेजते हैं अपने हाई स्पीड इंटरनेट से वो भेजते हैं सब कुछ, यहाँ काम होके
फिर उनको वापस भेजा जाता है, ऐसे ही पाइपलाइन क्रिएट हो जाती है। तो कहीं कुछ नहीं करना है इनको, कुछ नहीं, इसलिए ये गलती करते हैं क्योंकि इनके मन में वही भाव है। और कोई आके ये सब घेर के बैठ जाते हैं, और वो भी ज्यादातर स्पेंट फोर्स है, वो भी महत्वपूर्ण, ऐसे भी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी मिल रहे हैं। कुछ इस तरीके के लोग इनसे मिलते हैं और कुछ मुफ्तखोर टाइप के लोग मिलते हैं, इनको ये एंटरटेन करते हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ मत करिए, आप बस यही करिए कि सस्ती जमीन उपलब्ध करा दीजिए, दुनिया भर के स्टूडियो वहां खड़े हो जाएंगे, और वहां जो सबसे पिछड़ा इलाका है कहिए कि यहाँ आ जाओ तुम लोग, हम तुम्हें दे रहे हैं सारी छूट, टैक्स की छूट, सारी छूट देंगे, यहाँ तुम करो, हमारे यहाँ तुम जो फिल्म बनाओगे उसको हम एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लेंगे। एंटरटेनमेंट टैक्स का कंपोनेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, 2-4-5-10 crore, 20 crore, 50 crore, यही सब आता होगा उसमें। राजस्थान में तो बंद ही कर दिया बहुत पहले ही। हाँ, तो उसको बंद कर देना चाहिए, उसके एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है, अर्थहीन है, क्योंकि उससे कोई कमाई नहीं होती है, कोई रेवेन्यू जनरेशन उसके उससे होता नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार दुनिया भर का होता है, उसमें दुनिया भर का वो जो एंटरटेनमेंट टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं वो सब पैसा वैसा खाते हैं उसमें, वो ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेसी का जो मैं कहता हूँ उसको माइक्रो करप्शन जो है उसमें फायदा होता है। तो वो सब करके छूटते हैं, आओ बनाओ हमारे यहाँ, लोग बनाएंगे अपने आप, कहीं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो ये इन लोगों को आना जाना नहीं चाहिए, ये सब मुंबई जो है कोई आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां सुविधाएं अब लोग क्रिएट कर लेंगे, सस्ती जगह जमीन दिलवा दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि कम से कम योगी जी ने अपने आप को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को सही तरीके से एक तरीके से हैंडल किया, कंट्रोवर्शियल भी नहीं होने दिया उन्होंने कुछ भी, कहने को तो वो भी कुछ बोल सकते थे नरोत्तम मिश्रा की तरह, क्योंकि कुछ इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो थोड़ा योगी जी अपने आप को प्राइम मिनिस्टेरियल बना रहे हैं ऐसा मुझे, उन्होंने कहा ठीक है चलिए। देखिए जब चुनाव आएंगे तब यही बड़े बड़े नेता आपको और हमको संपर्क करेंगे, करते ही आप जानते हैं, और यह रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह से इसको पोलराइज कराइए, क्योंकि जब तक पोलराइज नहीं होगा तब तक जो है वो वोट एक मुश्त नहीं मिलेगा। और तो फिर जो ये फसल काटते हैं कि साहब की पूरा नॉर्थ इंडिया में एक मुश्त सारा का सारा एक तरफा ले जाते हैं कि 303 जो सीटें आई हैं उसमें से 250 सीटों का कंट्रीब्यूशन अकेले नॉर्थ इंडिया का है, वो स्थिति फिर जब तक पोलराइजेशन नहीं होगा तब तक नहीं बनेगी, और उस समय सूफी संगीत नहीं सुनवाया जाएगा, उस समय फिर जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं कही जाएगी, उस समय फिर जो है वो ये कहा जाएगा कि हाँ हर हर महादेव। नहीं, मैंने कहा आपसे कि जब समय आएगा तो औरंगजेब की चर्चा फिर से शुरू होगी, लेकिन ये स्ट्रेटजी मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। आप करिए, थोड़ा बहुत आप प्लेकेट करने का प्रयास करते रहिए, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, जहां आपको आवश्यकता नहीं है ये सब करने की उसे मत करिए। जहां बोल क्या बार बार सूफी सूफी करने से क्या आपको मिल जाने वाला है उसके अंदर, मैंने कहीं कहीं किसी तरह से किसी एक समाज का अप्रूवल उससे मिल जाए, उससे आपको कोई लाभ हो जाए तो ठीक है, समाज भी एकजुट हो जाए उसके कारण तो भी ठीक है, मैं मान लेता हूं उसको, लेकिन समाज एकजुट नहीं होने वाला है ना ऐसे। समाज देखिए, कोई भी दो ग्रुप हैं उनके बीच के झगड़े हैं, वो झूठ के आधार पर उन झगड़ों का निर्धारण नहीं होता है। कोई भी हमारे आपके बीच में कहीं कोई मान लीजिए कुछ हो और किसी चीज का डिस्प्यूट हो, कहीं कोई हमारे आपके बीच में झगड़ा हो, उस झगड़े को खत्म करने के लिए मान लीजिए झूठ आधार बना के कोई करने खत्म करने का प्रयास करेगा, होने वाला नहीं है वो, क्योंकि मूल कारण तो वहां बना रहेगा। तो एक उस समय एक सतही तौर पे आपने कुछ अचीव कर लिया, यथार्थ के धरातल पे ही सब कुछ संभव हो सकता है, रिकॉन्सिलिएशन भी यथार्थ के ही धरातल पे संभव हो सकता है। आप जो है मुंह में अल्लाह और पीठ में बगल में छुरी लेके नहीं चल सकते हैं, वो सामने वाला भी तैयार बैठा है, तो आप भी जो है आपको भी शिवाजी की तरह होना पड़ेगा, ठीक है भाई हम नेगोशिएट करेंगे, लेकिन तुम मेरा गला काटने के लिए आगे बढ़ोगे तो हम भी तुम्हारा पेट चीर देंगे, सीधी सारी बात है। तो ये यथार्थ जब सब जानते हैं ना तो सब प्रेम से रहते हैं, और मैं बार बार उदाहरण देता रहता हूँ महाराजा रणजीत सिंह का और शिवाजी का, उनके भी क्षेत्र में जितने जब भी राज्य रहा है, मराठा राज्य का भी देख लीजिए कि जब शक्ति दिखाई तो इसके बाद अच्छा था ना, सारे बादशाह दिल्ली के प्रसन्न रहते थे, वो चौथ भी दे देते थे, निजाम हो या बाकी के सारे हो वो सब के सब जो है देते थे ना, मराठों से सुरक्षा पाते थे ना, तो मराठों ने उनकी जान तो नहीं ली, मराठों ने निजाम का साम्राज्य खत्म तो नहीं किया, कहा कि तुम बने रहो ठीक है हमें चौथ देते रहो। जैसे कि जब ये थे तो
हिंदुओं से कहते थे कि तुम जिजिया देते रहो, बाकी सब कोई हमें कोई समस्या नहीं। वैसे महात्मा ने कहा कि तुम भी हमारे समाज, हमारे 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 संसार में जी सकते हो, हिंदू पादशाही में तुम भी सर्वाइव कर सकते हो भाई, कोई समस्या नहीं है। तो ओवैसी तुम भी सर्वाइव कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सोच के मत सर्वाइव करना कि तुम जो है हमें 15 मिनट की छुट्टी मिल जाएगी तो हमें उड़ा दोगे, ये सोच के नहीं सर्वाइव कर सकते। ये सोचोगे तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, तब तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो ये जब यथार्थ की बात होगी तो ओवैसी भी आपके साथ प्रेम से रहेगा, ये जब यथार्थ की बात होगी तो सब प्रेम से रहेंगे, सारी कम्युनिटीज प्रेम से रहेंगी। लेकिन जब झूठ के धरातल पे आप कोई ये ताश के पत्तों का महल खड़ा करेंगे तो वो तो उनको गिरना ही गिरना है, रेत का महल जो है उसको डूबना ही डूबना है। तो ये सब ना खड़ा करें लोग, यथार्थ जिया। और अब तो ऐसी बड़ी स्थिति में है प्रधानमंत्री जी की, वहां तो उनको और भी यथार्थवादी हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो समझते हैं कि कल्पना की दुनिया में जीते रहने से और कुछ व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे जो है कूटनीति चलती रहेगी, ऐसा हमेशा नहीं होता है। सारे व्यक्तिगत संबंध जब क्रक्स जब आता है, जो मूल जब असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तो ये व्यक्तिगत संबंध भी काम नहीं आते हैं, तब वहां जो है आपकी अपनी स्ट्रेंथ जो है वही महत्वपूर्ण रहती है। तो ये जो इनकी कूटनीति का एक रास्ता रहा है, एक साथ थोड़ा उनकी बात सुन लेंगे, वहां उनकी मान लेंगे, ये पहले भी हुआ करता था। मुझे आपको उदाहरण देता हूँ, बड़ा सुंदर उदाहरण है, शायद हमारे एक मित्र हैं प्रणव गौतम, हम लोगों के हमारे समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर गौतम, डॉक्टर एम आर गौतम हुआ करते थे, वो वोकल म्यूजिक के हेड थे। तो एक बार क्या हुआ कि रामपुर के नवाब ने उनको अपना शिष्य बना लिया, जबरदस्ती बनाया करते थे रामपुर के नवाब। ये अपना रेडियो पर उनका कार्यक्रम हो रहा था, तो उन्होंने एक दिन फोन करके वहाँ लखनऊ रेडियो पे वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनको फोन करके कहा, AIR के डायरेक्टर से, कि भाई कौन है ये जो है, इनको भेजो हमारे यहाँ। तो इनको शिष्य बना के कुछ दिन रखा था। तो वो मुझे एक बार वो किस्सा सुना रहे थे डॉक्टर गौतम, कि एक बार ऐसी स्थिति आई कि रामपुर के नवाब की जो पत्नी थी, एक, अब कई पत्नियां रही होंगी, एक थी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के संबंध रामपुर नवाब के भाई से ही कुछ हो गए और ये दोनों भाग गए, भारत छोड़ के। अब भाग के कहां गए, तो पाकिस्तान गए। अच्छा ये तो शिया थे रामपुर के नवाब। तो भाग के गए वहां पाकिस्तान, और इसके बाद जो है रामपुर के नवाब ने जो है केंद्र में, उस समय जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, उस समय सरदार पटेल भी जीवित थे शायद, यही बताया था उन्होंने डॉक्टर गौतम ने। तो उन्होंने बताया कि साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको वापस लाना पड़ेगा। और उस समय उन परिस्थितियों में आप समझ लीजिए कि 1947-48-49 इसी की वही समय था, उस समय जो है उन दोनों को पाकिस्तान से पकड़ के मंगवाया गया। तो ये होता है कि हाँ, थोड़ा सा व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना है, रामपुर के नवाब को भी खुश रखना है, सब कुछ करना है, तो ये सारे खेल उस समय चलते थे। तो आए दोनों, इसके बाद उन्होंने कुछ ज्यादा उल्टा सीधा नहीं हुआ, उन्होंने अपने, सुनने में आया कि जो अपने भाई थे उनको उन्होंने अपनी अलग जगह रहने के लिए दे दी, पत्नी कैसे क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन ये किस्सा उन्होंने सुनाया था। तो इस प्रकार से जो है कूटनीतिक संबंध इन आधारों पर जब बना के आप चलते हैं तो ये भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं। अब हो सकता है कि गल्फ क्षेत्र में सरकारें नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ कुछ बदलाव ना आता हो, लेकिन फिर भी ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब ना करें, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप अगर हेड्स ऑफ स्टेट्स को आप प्लेकेट करके इस तरह से काम करेंगे और उनका कोई फोन आएगा उनकी मदद कर दो भाई, तो आप उसके आधार पर व्यक्तिगत मदद करने लगेंगे, नहीं चलने वाला ये सब, और इनकी मदद करने से कुछ नहीं होने वाला है। वो फिल्म जो है लोगों का मन ऑल खट्टा हो चुका है उस फिल्म को लेके, तो जो कुछ भी प्रचार ये लोग कर लें, मेरी अपनी धारणा है और मेरा अपना ही अनुमान ये है कि शुरू में कुछ इनिशियल वगैरह भले लग जाए लेकिन बाद में उसको चलना नहीं है, लोग चिढ़ गए हैं उस, जिस तरीके के जो उनके ट्रेलर आए हैं, जिस तरीके का उनके उनके गाने वाने आए हैं, तो फिल्म चलेगी नहीं, कितनी भी मदद कर लें, कितना भी कुछ भी कर लेंगे। लेकिन मुझे इन्होंने कार्यकारिणी में इस विषय को उठाया, मैंने कि कार्यकारिणी में जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय उठने चाहिए, उसके अंदर ये विषय उठ गया और ये विचित्र था, पता नहीं। ये जो इस समय प्रचार चल रहा है पठान फिल्म का, इस आपके रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग हुई है, ये जो एडवांस बुकिंग का खेल होता है ये क्या होता है, थोड़ा ये भी समझाएं। ये बहुत पुराना है दर्शकों, ये हमेशा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार
एक 1942 लव स्टोरी जो है वो फिल्म इसी ने, विधु विनोद चोपड़ा ने बनाई थी। तो किसी ने मुझे कहा कि भाई आप दूसरे दिन का, ये फ्राइडे को उसका रिलीज थी और हमारे ख्याल से थर्सडे को उसका प्रीमियर हुआ था, यही मुंबई के मेट्रो सिनेमा में उसका प्रीमियर हुआ था। और मुझे सैटरडे का, फ्राइडे का ही या सैटरडे का ही किसी ने कहा कि आप टिकट है आप जाके देख आए उसको। तो मुझे टिकट दिया किसी ने, मैं गया देखने के लिए। वहां गया देखने के लिए तो मैंने देखा कि वहां तो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन कुछ लोग पीछे की तरफ जाके कुछ, तो मैंने कहा ये लोग पीछे क्यों जा रहे हैं, वहां को लाइन क्यों लगी है पीछे की तरफ, पतली सी गली थी वहां मेट्रो के ठीक पीछे, मेट्रो सिनेमा जो है यहाँ का। तो लोगों ने कहा कि नहीं वो तो टिकट के लिए लोग जा रहे हैं। तो मैंने जाके देखा तो एक छोटी खिड़की खुली हुई थी, पीछे की तरफ भी एक खिड़की थी और वहां भी कुछ टिकट वगैरह दिए जा रहे थे। तो मैंने ये क्यों, यहाँ बाहर तो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है और वहां टिकट दिए जा रहे हैं। खैर हम लोग सिनेमा हॉल के अंदर गए, ये सैटरडे ही था या फ्राइडे था मुझे याद नहीं है, सैटरडे था हमारे ख्याल से, शनिवार। तो हाउसफुल का बोर्ड और सब कुछ और प्रीमियर एक दिन पहले हुआ है। अंदर गए संजय जी, 60-70% हॉल खाली था, नीचे भी खाली था, ऊपर हम बालकनी में बैठे हुए थे, बालकनी में भी हॉल खाली था। अभी वो मेट्रो जो है वो भी एक मल्टीप्लेक्स जैसा बना दिया गया है, लेकिन उस समय जो वो सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करता था और बहुत अच्छी कैपेसिटी थी, नीचे भी थी और ऊपर भी थी, पूरा आप करीब 60% खाली था। और उस खाली सिनेमा हॉल में 1942 लव स्टोरी चलाई जा रही थी। तो ये पुराना दर्रा है ये फिल्म उद्योग का, कि किस तरीके से इनिशियल लगाया जाए, किस तरीके से एक फिल्म जो है उसके सफल होने की संभावना नहीं है तो उन संभावनाओं को कर का कैसे निर्माण किया जाए। होता यह है कि मुंबई में उन दिनों क्या था कि मुंबई के अंदर बॉम्बे उस समय हुआ करती थी, तो बॉम्बे में अगर फिल्म चल गई तो फिर बाहर की जो टेरिटरीज होती थी उसके उसमें उसका भाव बढ़ जाता था। तो ये दिखाने का प्रयास होता था। अब प्रयास अब और आसानी से हो सकता है क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल है, तो उसमें ये चाहें तो ये सारी चीजें जो है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब नाटक जो है ये सब किए जा सकते हैं, कुछ सिनेमा हॉल में टिकट्स खरीदे जा सकते हैं, कुछ हाउसफुल शोज दिखाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है और जो कि परिवार के लोग इस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे क्योंकि परिवार के लिए इस फिल्म में कुछ है नहीं। इसमें जो है स्पष्ट रूप से हिंसा है और जो बाकी सो वो जो गीत गाना आया है उसके कारण से भी लोगों का जो है मन खट्टा हुआ है, लोग देखने नहीं। सबसे तो इसका नाम जो है ये, इनको कोई दिखाना था किसी सिपाही की कहानी, तो उसके लिए पठान नाम क्यों रखा? ये सिपाही नहीं है, कोई रॉ एजेंट की कहानी है। हाँ वही मतलब जो भी है, पठान नाम तो उसी तरह रखा ना, वो चक दे इंडिया में जैसे कि इन्होंने हिंदू चरित्र है तो उसको मुसलमान चरित्र बना दिया। जो अभी कोई, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है सुबह, एक कोई लिंक भेजा है, उसमें वो बता रहे थे क्या नाम है उनका, दिल्ली के हैं, वकील हैं, वो उसमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है विक्टिमहुड का नरेटिव था उसको उसके अंदर घुसा दिया गया, जबकि जो वो वर्ल्ड कप था वो जो है वो एक हिंदू थे जो ट्रेनिंग दे रहे थे, जो प्रशिक्षक नेगी हाँ नेगी कर रहे, तो नेगी की जगह जो है कुछ दूसरे हो गए। तो ये जो है नेगी को कबीर खान बना दिया। हाँ तो कबीर खान बन गए। तो वैसे ही इसके अंदर जो है ये रॉ एजेंट की कहानी दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसमें दिखाना चाहते हैं कि देखो ये पठान है, मुसलमान है, फिर भी कैसे देशभक्त है, जय हिंद बोलता है। तो अब ये नैरेटिव एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि मुसलमान देखिए बड़े देशभक्त हैं, लेकिन ये देश ये देखिए कैसे ये हिंदूवादी संजय दीक्षित जो है मुसलमानों को नीचा दिखा रहे हैं, कैसे राजेश कुमार सिंह इनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कैसे अन्य जो लोग हैं जो हिंदूवादी नेता हैं वो कैसे इनके बारे में मूल बोलते हैं, देखो कितने अच्छे हैं, कितने देशभक्त हैं, कितने राष्ट्रभक्त हैं, देखिए रॉ एजेंट है, जान लड़ा दे रहा है भारत के लिए। तो ये सारे खेल खेले जाएंगे और हमेशा ये चुनाव से पहले ये सारे खेल खेले जाते हैं। ये खेल जो है पिछली बार चुनाव में 2014 वाले चुनाव में जो है उसमें भी बहुत खेले गए थे। इस तरह की फिल्में बनाई गई थी जिसके अंदर दिखाने का प्रयास किया गया था कि देखिए इतने बुरे नहीं है, अच्छे मुसलमानों का को प्रमोट किया गया था। महेश भट्ट वाला मैंने बताया था, मुझे अब याद नहीं है उन फिल्मों के लेकिन नाम, लेकिन उसे महेश भट्ट और कई ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने ऐसी फिल्मों को बनाया था और सेंसर बोर्ड CBFC ने उनको बिना किसी लाग लपेट के उन फिल्मों को पास कर दिया था। तो ये सब चल रहा है उसमें। तो पठान उसी का है ये कि एक ऐसा चरित्र दिखाओ जो देशभक्त मुसलमान है। अरे भाई हम मानते हैं देशभक्त मुसलमान है, अब्दुल हमीद देशभक्त मुसलमान थे,
आज उनके नाम पे जो है एक टापू का नाम रखा गया है। तो हम उन देशभक्तों को भी जानते हैं, लेकिन हम देशद्रोही जिहादियों को भी जानते हैं। अब उन्हें हम उन्हें पहचानने लगे हैं, आम जनता पहचानने लगी है, अपने अगल बगल उनको देखने लगी है। वो देखने लगी है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट का मैच जीतता है या हिंदुस्तान कहीं कोई क्रिकेट का मैच हारता है तो कैसे खुशी मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, सब देख रहे हैं लोग। तो वो जिहादी तत्व जो इस्लामिस्ट और इस्लामिज्म का जो खेल है उसको बहुत निकट से लोग समझने लगे हैं। पहले थोड़ा ऊपर के लोग समझते थे, वो भी बहुत कम समझते थे, अगर समझते होते तो 1946-47 में जो हुआ वो नहीं हुआ रहता। लेकिन अब जो है केवल प्रबुद्ध लोग ही नहीं समझते, आम जन समझता है, गरीब से गरीब आदमी जानता है कि क्या हो रहा है, वो समझता है कि ये खेल क्या है। तो ऐसा नहीं है, तो जो देशभक्त मुसलमान है उसके लिए आपको पठान बनाने की आवश्यकता नहीं थी, उसके लिए आपको कोई ऐसे अपॉलॉजी वाली फिल्म नहीं बनाने की आवश्यकता थी ये साबित करने के लिए। ये सब जो साबित करने का प्रयास कर रहे हैं वो सबसे बड़े धूर्त हैं, जो हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और पीठ पीछे जो है हमारे अपना इस्लामिज्म वो जिना वाला खेल खेलते हैं, जिनको मैं बॉलीवुड जिना कहता हूँ, वो करते हैं बॉलीवुड जिना। अच्छा, ये सब बॉलीवुड जिना है। जी जी जी, अब हम इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे और एक बार मैं पुनः अनुरोध करूंगा दर्शकों से कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, और आप जो नीचे देख रहे हैं सपोर्ट के लिए जी पे पेटीएम UPI पेपैल और इन पे सब पे, नहीं तो आप jddigital.in/support पर जाकर कर सकते हैं, यहाँ जाकर आप सपोर्ट भी हमारी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।